अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत सारी टिप्पणियां हुई थी जब नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर करने की बात सामने आई थी। वर्षों हो गए थे, लोग ये मानते थे, कुछ लोगों ने तो ये मान लिया था, वे केवल विद्यालयों में नाम लिखवाते थे, कभी विद्यालय जाते नहीं थे, लेकिन उनके जो नंबर होते थे बहुत अच्छे हो जाते थे। जो बेचारा छात्र मेहनत करता था वह स्वाभाविक रूप से नकल नहीं करता था, क्योंकि उसको अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत होता था कि वह कहता था कि नहीं, मैं बिना नकल के ही परीक्षा दूंगा। उसके मेरिट में कम नंबर आते थे, नकल करने वाला ज्यादा नंबर ले लेता था, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तो ठेका पद्धति चलती थी। भारी मात्रा में इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होता था, एक पूरा रैकेट इस पर कार्य करता था। हम लोगों ने देखा कि एकाएक इतनी बड़ी संख्या में क्यों छात्रों के द्वारा परीक्षाएं छोड़ी जा रही हैं। हम उसकी तह में गए, 12 लाख से अधिक छात्र परीक्षा छोड़े, कारण क्या है? पता लगा कि ये सब प्रदेश के हैं ही नहीं, इसमें तो कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है। वे केवल आकर के फॉर्म भर लेते हैं, बहुत सारे तो उसमें परीक्षा देने भी नहीं आते, उनके बदले कोई दूसरा ही परीक्षा देता था।